ठिगरी नगर से होकर गुजरने वाली एबिरोड क्रमांक 3 पर मुखबिर की सूचना पर ठिगरी पुलिस ने एक ट्रक को रोका। वही ट्रक में जांच करने पर उसमें गौवंश भरा हुआ था। ठिगरी थाना प्रभारी अजय राजौरिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर से एक ट्रक क्रमांक MH18M6277 में अवैध गौवंश भरकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा था, जिसे रोककर जांच की, जिसमें 48 गौवंश निर्दयता पूर्वक भरे गए। ट्रक को खाली करने पर 48 गौवंश में से 7 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिन्हें ठीकरी के समीप एक गड्ढा खोदकर दफनाया गया। ट्रक इंदौर से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। वही ट्रक में कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें पूछताछ की गई एवं किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए। नहीं पाए जाने पर गौवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और साथ ही ट्रक में भरे गौवंश को ठीकरी की गौशाला में भिजवाया गया, जहां पशु चिकित्सक के द्वारा सभी गौवंश का प्राथमिक उपचार किया गया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। वहीं ठीकरी थाना प्रभारी अजय राजौरिया और टीम राजेश नैयर, अश्विन पाटीदार, प्रकाश पाटीदार का विशेष सहयोग रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। सर, आज गाय की ट्रक पकड़ी है, क्या कहेंगे? आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर तरफ से एक ट्रक है MH18M6277, जिसमें कुछ गोवंश अवैध गोवंश लगे हुआ है। उसका घेराबंदी कर हमारे द्वारा बाटा जो टावर है सामने हाईवे से, तो घेराबंदी कर हमने